हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज डेट 15 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज के डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 14 सितंबर को कहाँ से की गई है। आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। आपका राइट ऑप्शन है इसमें बिहार से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। 21 राज्यों में 20,000 करोड़ रुपये की यह योजना है। आज़ादी के बाद से अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए भारत की एक बहुत बड़ी और पहली योजना है। इसका उद्देश्य नए बुनियादी ढांचे, आधुनिक उपकरण और मछली उत्पादकों के लिए नए बाजारों को उपलब्ध कराना है, जो इसका कुल योजना के ऊपर व्यय किया जाने वाला धन है 20,000 करोड़ रुपए। यह 4 से 5 वर्षों में आगे खर्च किया जाएगा। बात कर लेते हैं बिहार की, तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान और साक्षरता दर है यहाँ पर 63.82%। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत PSU ने मुंबई के ट्रांबे में किस रसायन संबंधी प्लांट को शुरू किया है। मेथेनॉल, ऑक्सीजन, एथेनॉल या यूरेनियम। आपका राइट ऑप्शन है इसमें मेथेनॉल। देखिए, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक PSU ने मुंबई के ट्रांबे यूनिट में अपना मेथेनॉल प्लांट शुरू किया है। RCF में प्रतिदिन 242 मीट्रिक टन मेथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता है। अब तक RCF अपने आंतरिक उपभोग के लिए और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी मेथेनॉल का आयात करता रहा है। मेथेनॉल का व्यापक रूप से दवाइयों, कीटनाशकों, डाइस्टफ इत्यादि के उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है। बहुत सीमित घरेलू उत्पादन के साथ में आयात के साथ साथ अब आवश्यकता पूरी इसकी हो रही थी। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट डेट है आज की आपकी, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों हेतु किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। काजोल, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित या जूही चावला। आपका राइट ऑप्शन है इसमें जूही चावला को। देखिए, देश की एक बड़ी FMGC कंपनी है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है इमामी। इन्होंने हाल ही में बोरोप्लस की नई हाइजीन रेंज प्रोडक्ट लॉन्च की है और उसका ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को बनाया है। इससे पहले अप्रैल में ही बोरोप्लस एंटी जर्म हैंड सैनिटाइजर के साथ पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी ने प्रवेश किया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा, मेघालय, उड़ीसा या सिक्किम। आपका राइट ऑप्शन है इसमें मेघालय। देखिए, मेघालय सरकार के द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ में सबसे बड़ा पिगरी मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना है और मेघालय को पोर्क यानी कि सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, बात कर लेते हैं मेघालय की, तो राजधानी है शिलोंग, CM है कोर्नाड जगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट बेट है आज की आपकी, रघुवंश प्रसाद सिंह का संबंध किस क्षेत्र से था। चित्रकार, राजनेता, अभिनेता या साहित्यकार। देखिए, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये बिहार के पूर्व दिग्गज नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। ठीक है, 1977 से लगातार ये राजनीति में रहे और JDU में उन्हें पार्टी में दूसरा लालू भी माना जाता था। वे लगातार 4 बार वैशाली से सांसद रहे। UPA की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे और मनरेगा कानून का असली शिल्पकार भी उन्हें ही माना जाता है। ठीक है, इसे आप विशेष तौर पर नोट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। ओजोन दिवस, हिंदी दिवस, योग दिवस या अभियंता दिवस। आपका राइट ऑप्शन है इसमें हिंदी दिवस। देखिए, हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है देश के लोगों में हिंदी के प्रति जागरूकता लाना। ठीक है, इसका पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। भारत में करीब 14.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जिनमें से करीब 42.5 करोड़ लोग उसे अपनी पहली भाषा मानते हैं और देश के 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते एवं बोलते और समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित तथा प्रचारित करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होता है। प्रत्येक दिवस जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को ही एक मत से निर्णय लिया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी अहम निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने हेतु हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के उद्देश्य से 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रत्येक साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। हिंदी भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो में भी बोली जाती है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में उभर कर हिंदी अब आई है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, लीलो यानी कि लाइन इन लाइन आउट सबस्टेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। हरियाणा,
दिल्ली, मध्य प्रदेश या बिहार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें बिहार में। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिहार के सहरसा में किशनगंज दरभंगा 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के लीलो के निर्माण की आधारशिला रखी है। 100 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी पावर ग्रिड लिमिटेड है, जो कि बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। सहरसा बिहार के अत्यधिक उत्तरी भाग में स्थित है और नेपाल से पानी की आवक के कारण बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, यह सब स्टेशन जो है एक विद्युत आपूर्ति प्रणाली का एक हिस्सा है, जो कि स्थानीय वितरण नेटवर्क के लिए जनरेटिंग सब स्टेशन से उच्च वोल्टेज को प्रसारित करेगा। इतना आपको प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है? रोनित रॉय, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव या अनूप सोनी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें आयुष्मान खुराना को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है यूनिसेफ, इन्होंने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की इसमें सहायता करेंगे। बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है और इसके सदस्य देश हैं 193। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, US ओपन मेंस सिंगल्स का 2020 का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, गैस्टनो गॉडियो, मारिन सिलिच या डोमिनिक थियम? आपका राइट ऑप्शन है इसमें डोमिनिक थियम ने। देखिए, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने दो सेट गंवाने के बाद में पांचवें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है और US ओपन मैन सिंगल्स का खिताब इस बार जीत लिया है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। इसके पहले वे 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके हैं। उनका मुकाबला राफेल नडाल से इसमें हुआ था फ्रेंच ओपन 2018 और 2019 के फाइनल में नडाल ने, और इसी साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन में जोकोविच ने उन्हें हराया था। ठीक है, बात कर लेते हैं US ओपन की, तो न्यूयॉर्क में ये आयोजित किया जाता है। मैदान की सतह इसमें हार्ड कोर्ट मैदान होता है और 1881 में ये पहली बार खेला गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, ICC ने UAE के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया है? 1, 2, 3 या 4? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 2 खिलाड़ियों को। देखिए, ICC ने हाल ही में 2 खिलाड़ियों यानी कि आमिर हयात और अशफाक अहमद, जो दोनों ही पाकिस्तानी बेस्ड खिलाड़ी हैं और UAE की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, इन्हें हाल ही में ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को आरोपों का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल आंसर करना था। हाल ही में दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता और नेता स्वामी अग्निवेश का संबंध किस संप्रदाय या समाज से था? कापालिक संप्रदाय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या शाक्त संप्रदाय? आपका राइट ऑप्शन था इसमें आर्य समाज से। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के प्रतिष्ठित हस्ती थे स्वामी अग्निवेश। इनका हाल ही में निधन हो गया है। वे हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे। 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक इन्होंने संगठन भी बनाया था और बिग बॉस शो में आने के कारण भी ये चर्चा में रहे थे। आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, जिसका आपको आंसर करना है, किस देश ने हाल ही में बलात्कार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? लाइबेरिया, सोमालिया, बुरुंडी या गाना? मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा दोस्तों कि जब भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल में इसे लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप एक बार डिटेल में लिख देंगे तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।